ओम शांति। आप सभी नए साल के रेजोल्यूशंस जो आपने 1 जनवरी को लिए हैं वो अवश्य आप सभी पूरा कर रहे होंगे। नए साल पर हम सभी अलग अलग रेजोल्यूशंस करते हैं, कुछ अपने गोल्स रखते हैं। किसी ने लिया होगा आज मुझे या रोज़ मुझे 5 किलोमीटर तक चलना है, वर्कआउट करना है, या फिर वेट लॉस करना है, या बहुत धन कमाना है, रिश्ता अच्छा बनाना है। जो भी आपका गोल है, जो भी आपने रेजोल्यूशन बनाया है, ये रेजोल्यूशन आप सबका अवश्य पूरा हो, आप रोज़ इसे करें। लेकिन वो रेजोल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं, आप में से कईयों ने वो कौन कौन से रेजोल्यूशन लिए हैं, चलो एक झलक देखते हैं हम वीडियोस के द्वारा। नमस्ते, मैं डॉक्टर मानसी साळुंके इस नए साल में संकल्प करती हूँ कि किसी भी व्यक्ति या विचार पर प्रतिक्रिया करने से पहले इस चीज़ का ध्यान रखूंगी कि मेरी स्वयं की खुशी और प्रतिक्रिया मेरी खुद की जिम्मेदारी है और किसी भी व्यक्ति की नहीं। किसी भी कुविचार को इस साल अपने मन में घर नहीं बनाने दूंगी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर तेजस्विनी देसाई आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मेरी इस साल की संकल्पना ये है कि मैं अपने परिवार के लिए खुद खाना बनाऊंगी। जिस मानसिक स्थिति में खाना बनाने वाला रहता है वही मानसिक स्थिति खाना खाने वाले की भी हो जाती है, क्योंकि वही सारे वाइब्स खाने में उतर जाते हैं। इसीलिए मैं हैप्पीनेस, पीस, हेल्थ, पावर, कंपैशन और लव, ये सब थॉट्स लेके खाना बनाऊंगी और वही थॉट्स अपने खाने में डालूंगी। इसकी वजह से मेरा परिवार और मैं दोनों ही खुशहाल रहेंगे। जैसा अन्न खाओगे वैसे ही मन की स्थिति पाओगे। लाइक द सेइंग गोज, यू आर व्हाट फूड यू ईट। थैंक यू। ओम शांति। मैं शीतल तोशनीवाल आपको नए साल की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देती हूँ। ये साल आपको सुखमय, शांतिमय और आरोग्यपूर्ण हो, यही कामना करती हूँ। इस साल मैंने 3 संकल्प लिए हैं और जिसे मैं 100% पूरा करने वाली हूँ। 1, रोज सुबह जल्दी उठ के कसरत करना। 2, अपने फैमिली बिजनेस में लैंड डेवलपिंग के बिजनेस को सीख के उसमें अपना योगदान देना। और 3, अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। थैंक यू। हाय, माय नेम इज रूपाली बलदवा। आई वर्क आउट ऑफ दुबई एज अ सीनियर आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर। माय रेजोल्यूशन फॉर ईयर 2022 वुड बी बिलीविंग इन माय सेल्फ, इन माय फैमिली एंड इन ऑल द गुडनेस अराउंड द वर्ल्ड, फोकसिंग ऑन मेंटल हेल्थ अलॉन्ग विद द फिजिकल हेल्थ, एंड Like Didi said in one of her talks, practicing gratitude, always thanking for all the goodness in the world. Thank you. Om Shanti. मैं एडवोकेट श्याम झंवर पुणे से हूँ। आने वाले नए साल में यानी 2022 में मेरा लक्ष्य है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाना, और उसके लिए परमात्मा शिव बाबा का जो ज्ञान है वो चारों ओर फैलाना। कितने सुंदर रेजोल्यूशंस लिए हैं ना, वेरी सिंपल बट वेरी प्रैक्टिकल। मैं रिएक्शन कम करूँगी, या फिर मैं अपने परिवार के लिए खाना अपने हाथों से बनाऊँगी, या मैं स्पिरिचुअलिटी की और लोगों को विशेष रूप से उन्हें गाइड करूँगा। बहुत अच्छे गोल्स लिए हैं। अभी ये रेजोल्यूशंस हम पूरा कर सके, इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। क्या कर सकते हैं जिससे इसमें कंसिस्टेंसी रहे, और वो कंसिस्टेंसी रहने के लिए कुछ बातों को आज हम ध्यान में रखेंगे। सबसे पहली बात, जो लक्ष्य लिया है उस लक्ष्य को रोज़ रोज़ अपने मन में रिवाइज करें। मेरा लक्ष्य क्या है, मैंने कौन सा रेजोल्यूशन लिया था। सेकंड, हम उसे अपने नोटबुक में लिखे, रोज़ लिखें। जी हाँ, जब हम उसे रोज़ रोज़ लिखते हैं
तो हमारी इंटेलेक्ट, हमारा मन उस पर पूरा फोकस होता है, वी बिकम सिंसियर और हम अपने एक्शन में आने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो रोज़ नोटबुक में लिखे। तीसरा, आपने जो लक्ष्य बनाया है उसका एक विजन बनाकर उसे विजन बोर्ड पे लगा दे या फिर फ्रीज पे, कबर्ड पे, जहाँ भी आप आते जाते उसे देख सकते हैं आप वहाँ उसे लगाएं। जब हम उसका एक चित्र बनाकर रखते हैं तो हम और ज़्यादा सिंसियर होते हैं, मुझे इसको हासिल करना है। इम्पॉर्टेंट बात, इस लक्ष्य का हम रिव्यू ले वीकली, 15 दिन में, एक मास, 6 मास का, और वो रिव्यू लेकर चेक करें हम सचमुच उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं, क्या क्या डिफ़िकल्टी आ रही है, उन डिफ़िकल्टीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करें। और हाँ, इम्पॉर्टेंट बात, अपने जीवन में ऐसे कोई ना कोई मेंटोर को ढूंढे, ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढे जिन्होंने अपने जीवन में लक्ष्य रखकर सफलता को प्राप्त किया है, उन्हें अपनी रिपोर्ट देते जाए, बताते जाए आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ तक पहुँचे हो, तो इससे आप ज़्यादा सिंसियर हो जाएंगे और इस लक्ष्य को बहुत कठिनाइयाँ आने के बावजूद भी मुझे उसे अचीव करना ही है, अगर ये विल पावर चाहिए तो इसका सोर्स है परमात्मा। उस परमात्मा को याद कीजिए, उससे कनेक्ट हो जाइए, तो परमात्मा द्वारा वो सर्व शक्तियाँ आपको प्राप्त हो जाएगी सफलता के लिए। और हाँ, लक्ष्य को मेडिटेशन में रोज़ विजुलाइज करें, रोज़ देखें आपने उस लक्ष्य को हासिल कर लिया है, आप सक्सेसफुल हो गए हैं, आपको सभी कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रहे हैं, उसे फील करें। तो जितना हम इस प्रकार से लक्ष्य के लिए चलते जाएंगे तो ज़रूरी है कि वो लक्ष्य हासिल होगा। लेकिन हाँ, इसमें और एक बात ज़रूर ऐड करें, छोटी छोटी जो सफलता है, चाहे आपकी वीकली, 15 दिन की, 1 मास की, जो भी छोटी छोटी इसमें स्टेप्स आपने ली है, आप सफल हो चुके हैं, अपने आप को अप्रिशिएट करें, वेल डन, वेल डन। ये बहुत ज़रूरी है खुद का मोटिवेशन बढ़ाने के लिए। जब हम इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो अवश्य ही हम जो चाहते हैं उसे अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। इस बात की खुशी सदा आपके मन में बनी रहेगी। हैप्पी डे। Thank you.